हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू द ट्रेडिंग लाइफ टुडे एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन टुमारो बेसिस टुमारो मंडे 12 दिसंबर 2022 आई होप यू आर वेल तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द निफ्टी एनालिसिस वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो बोथस अबाउट दी नाइन दिसंबर को नाइन दिसंबर को क्या हुआ था नाइन दिसंबर को हम लोगों को देख सकते हैं ये गैप अप रिजेक्शन बना था गैप अप रिजेक्शन क्योंकि कैंडल कैंडल क्या हुई थी हम लोगों की गैप अप ओपनिंग बी थी प्रीवियस डे ये गैप अप था गैप अप था और यहाँ पे क्या था यहाँ पे हम लोगों का वीकली पीरियड था वीकली पीरियड से इसने गैप अप रिजेक्शन दिया गैप अप रिजेक्शन हम लोगों को यहाँ तक प्रॉफिट बुक करने को बनता था बट हम लोगों ने वी सी पी आर के अंदर सी पी आर के अंदर हम लोगों ने ट्रेड नहीं लेना चाहिए और सी पी आर के नीचे हम लोगों ने एक अच्छी रैली यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे हम मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे एक ट्रेड तो ये बनती थी फर्स्ट ट्रेड और एक ट्रेड ये बनती थी कि आप ए टी एमए को फॉलो कर सकते थे ए टी एम ए को फॉलो कर सकते थे और यहाँ नेक्स्ट देखिए ए टी एम ए एक अच्छी रैली आपको देता है क्योंकि ए टी एमए के ऊपर इसने कहीं भी क्लोजिंग नहीं दी जहाँ भी क्लोजिंग दी उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप आप हमेशा देखिए सेकंड कैंडल आप अगर इसने फर्स्ट क्लोजिंग में मेरे कॉन्सेप्ट आएंगे आप लोग अगर ऐसे वीडियो करेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा अपने ये एक कैंडल पर है ये ए टी एमए को फॉलो कर रहा था और एक अच्छी रैली एक ट्रेड आपको ये दी इसने और निफ्टी में हम लोग कल के लेवल अब हम देख सकते हैं बात एनालिसिस की हो रही है तो कल के लेवल हम लोग देख सकते हैं ये एट ई एम ए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है ट्वेंटी ई एम ए जब एट ई एम ए के ए टी एम ए ट्वेंटी एम ए के ऊपर हो गया है तो ये ग्रीन कैंडल बनाने लगा है और ये हम लोगों का क्या है ये एक, एक ग्रीन कलर की लाइन आप लोग देख रहे होंगे मैं जूम कर देता हूँ ये आप लोगों को ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा रिकॉर्ड करूंगा लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अभी नहीं कर रहा हूँ ये ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिख रही होगी अठारह हजार पाँच सौ दस पे ये है मंथली पीवट ये मंथली पीवर्ट है पूरे मंथली का पीवर्ट है पीवड लाई का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये कल का हम लोगों का लेवल यहाँ रहेगा अगर ये इसने ए अपने मंथली पीवड के ऊपर क्लोजिंग दे या क्लोजिंग ऊपर इसे क्लोजिंग करके ऊपर ओपनिंग देता है कल मंडे नाइन फिफ्टीन में तो हम लोगों को ये टारगेट रह सकता है अठारह हज़ार और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये बनेगा नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का ये है बाकी वी सी पी आर है और हम लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में नौ दिसंबर नाइन दिसंबर को क्या हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था ये क्या बना था आर सी बी ओ बना था रेड कैंडल आर सी बी ओ सॉरी रेड कैंडल रिट्रेसमेंट बना था आर सी आर आर सी आर रेड कैंडल रिट्रेसमेंट पहले इसने नीचे की रैली तय करी और अपने नीचे क्लोजिंग के बाद इसने एक अच्छी रैली नीचे की तरफ दी यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे और हम लोग कल के लेवल की बात करते हैं और जिसने भी ए टी एम ए को फॉलो किया है नीचे की तरफ आप पुट ऑप्शन ट्रेडर पुट साइड जा सकते थे जब यहाँ इसने अपने सी पी आर का सपोर्ट लिया सी पी आर का सपोर्ट लिया है बॉटम सी पी आर का सपोर्ट लिया है तो एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ दिखी है और इसने भी अपने ए टी के ऊपर क्लोजिंग दी है पर रेड कैंडल में दी है इससे कोई घबराना नहीं है और आपको कल के लेवल क्या मिल सकते हैं अगर ये कल गैप अप ओपनिंग देता है तो उसकी बात अलग रहेगी गैप अप ओपनिंग ये कहाँ से देगा यहाँ से मंथली पीवड के ऊपर देगा तो अगले लेवल अगला सी इसका रहेगा इसका नेक्स्ट सी रहेगा कल मैं जो भी एनालिसिस का वीडियो डालूंगा उसमें क्या कहता हूँ कि अगले दिन का सी पी आर मैं दिखाऊँगा शो करूँगा आप लोगों को तो जिससे आपको हेल्प होगी और ये वीडियो केवल एनालिसिस परपज़ के लिए था और आपको ये कॉन्सेप्ट जानने हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे सी पी आर सेट करते हैं कैसे क्या करते हैं और ये यहाँ पे अगर ओपनिंग देगा बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट अगर यहीं ये, ये बगल में साइड में बिल्कुल मतलब कल ना गैप अप ओपनिंग होता है ना गैप डाउन होता है तो अगर इसने यहाँ कहीं ओपनिंग करी फोर्टी थ्री थाउजेंड हंड्रेड ट्वेंटी टू के पास तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा और ये जब क्रॉस ओवर करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का क्योंकि बैंक निफ्टी अपने गैप अप पे चल रहा है इस समय क्योंकि प्रीवियस कोई भी इसका रेजिस्टेंस नहीं है तो बी सेफ देन हम लोगों का हाई टारगेट बनता है फोर्टी थ्री फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन थैंक यू आई होप आप लोगों को मेरा एनालिसिस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मैं डेली ही ऐसे वीडियो डालता रहूँगा और जिसको भी मेरे चैनल से कुछ भी प्रॉफिट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें मैं हर एक वीडियो आपको डालूंगा थैंक यू